नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, शाम का समय कुछ ऐसा होता है कि घर में सबको हल्की फुल्की भूख लग जाती है, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हों। तो इस समय में हर कोई हल्का फुल्का, कुछ टेस्टी, कुछ तीखा, कुछ स्वादिष्ट और हेल्दी व्यंजन मांगता है। तो आज मैं आपको ऐसा ही एक टेस्टी, स्वादिष्ट, तीखा और हेल्दी व्यंजन बनाना सिखाने जा रही हूँ। इसके लिए हमें जो जो चाहिए पहले मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए हमें ये नमकीन मुरमुरा चाहिए, ये आपको मार्केट में कहीं से भी आसानी से मिल जाएगा। और ये नमकीन, ये आप अपनी पसंद का भी ले सकते हैं मार्केट में, कोई भी किसी तरह भी का भी नमकीन आप इसमें डाल सकते हैं, ये भी आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। एक छोटा बारीक कटा हुआ टमाटर चाहिए, एक छोटा बारीक कटा हुआ प्याज, एक हमें नींबू चाहिए और दो हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, थोड़ी सी हरी चटनी चाहिए और थोड़ी सी टमाटो सॉस भी चाहिए। नमक अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं और लाल मिर्च का पाउडर भी आधा चम्मच, और थोड़ा सा ऊपर डालने के लिए हमें चाट मसाला चाहिए। अब मैं आपको इसको बनाने का तरीका बताती हूँ। इसके लिए आपको एक बड़ा सा बॉल चाहिए। आप पहले इसमें ये नमकीन मुरमुरा डाल दीजिए, अब इसमें प्याज डाल दीजिए, अब टमाटर डाल दीजिए, अब थोड़ा सा इसमें नमकीन डाल दीजिए, थोड़ा नमकीन हम बचा लेंगे प्रेजेंटेशन के लिए। अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, थोड़ी सी लाल मिर्च, अब बारीक कटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च और लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इस सारे सामान को हम मिक्स कर लेते हैं। अब ये मिक्स हो गया है, अब इसमें हम टोमेटो सॉस डाल देते हैं। तीन चार चम्मच अच्छे से इसमें टोमेटो सॉस, एक डेढ़ चम्मच ग्रीन चिली सॉस। ये सॉस भी आप अपने टेस्ट के अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं। अब आप इन सब चीज़ों को मिक्स कर दीजिए अच्छी तरह से। ये सॉस अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जानी चाहिए। अब इसमें सॉसेस भी अच्छी तरह मिक्स हो चुकी हैं। अब हम इसमें आधा नींबू का रस डाल देंगे। इसे भी मिक्स कर दीजिए अच्छी तरह से। अब ये नींबू का रस भी इसमें मिक्स हो गया है, अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। अब इसमें थोड़ा सा पहले चाट मसाला डाल देते हैं और इसे डेकोरेट करने के लिए अब इसमें हम नमकीन सेव इसमें भुर्क देते हैं। अब ये आपका स्वादिष्ट व्यंजन तैयार है। ये बहुत ही हेल्दी व्यंजन है, आप इसे घर में बनाकर देखिए और खाइए, और मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए, और मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।